1 रुपए किलो में मक्का बेच देते हो, पॉपकॉर्न बना के 100 रुपए किलो का एक डब्बा वो पकड़ाते हैं, वो 90 रुपए आपको क्यों नहीं मिलते ये सोचिए ना। सारा मुद्दा है कॉमर्शियल, कैसे कॉमर्शियल रिवोल्यूशन लाया जाए, ग्लोबल लेवल पे भारतीय किसानों को कैसे पहुंचाया जाए, इस पे बात नहीं हो रही है। एक विश्लेषक है हमारे साथ जुड़ रहे हैं, AK मिश्रा। हमारे साथ जुड़ रहे हैं कि यदि इन्हें भी खाली सत्ता की मलाई खाने के लिए आना था तो स्वीकार कर लो, माफी मांग लो, किसान माफ कर देगा। मुझे बताइए AK मिश्रा जी, इतने सालों में, और मैं ये आप सबसे भी पूछ रही हूँ क्योंकि आप सब लोग यहाँ किसान हैं, मुझे एक बात बताइए, इतने दशकों में मैं आपसे पूछ रही हूँ कि जिस तरह से एक प्रधानमंत्री ने कोशिश की है किसानों से बात करने की, किस प्रधानमंत्री ने की है, मैं सिर्फ ये पूछ रही हूँ आप लोगों से। देखिए, ये एक बहुत बहुत अच्छी पहल है, संवाद से ही विवाद का हल होता है। मेरे अभी किसान मित्र जो बोल रहे थे, किसानों की एक भी बात इन्होंने नहीं की, राजनीति की सारी बातें कर डाली, किसान की समस्या पे आप बात करिए। दूसरी चीज मैं आपको बताऊंगा, जो राजनीति हो रही है, बहुत सारे किसान के दल उसमें जो नेता है जस्टिन ट्रूडो, अरे कनाडा का प्रधानमंत्री है, उसके चुनाव होने वाले हैं, वो भी अपना फायदा लेने के लिए राजनीति कर रहा है। देखिए, ये जो बिल आया है संवाद, बार बार प्रधानमंत्री जी आप लोगों से संवाद क्यों कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं कि यहाँ पे संवाद से ही बड़े से बड़े विवाद का हल होता है। इसके पहले मैं एग्जांपल देता हूँ, यूरिया में घोटाला होता था, उसमें मिलावट होती थी, कितने ऐसे सारे कदम लिए गए हैं किसानों के लिए। सरकार प्रतिबद्ध है किसानों की आय को दुगनी करने के लिए, उनका फ्यूचर सुधारने के लिए। मैं एक चीज, क्योंकि मोदी जी संविधान के दायरे के अनुसार चल रहे हैं, और जो भंडारण की छूट दी है उसमें क्रय विक्रय का अनुपात और रेशो बना देंगे ताकि देश को महंगाई की मार ना मारे। ये मांग बार बार रख रहे हैं मिश्रा जी, लेकिन मुझे बताइए कि आगे तो बढ़ना पड़ेगा ना, दो कदम वहाँ से बढ़ रहे हैं, दो कदम यहाँ से बढ़ रहे हैं। देखिए सुचेता, मैं लगातार यहाँ पे जुड़ा हुआ हूँ पिछले कई दिनों से, मुझे ये लगता है ना कि ये जो समस्या है, इनकी समस्या केवल कॉमर्शियल है, फाइनेंशियल है। प्रॉब्लम ये है कि फसलों की राइट उपज जो है मूल्य नहीं मिलता है मार्केट से, वो चाहे MSP के रूप में मिले, चाहे जैसे भी, अरे दुगने दाम पे आपका वो बिकना चाहिए। सवाल ये है, मुद्दा क्या है, प्रॉब्लम की जड़ क्या है, ये किसान भाइयों को, कृषि अर्थशास्त्री लोगों को समझाना चाहिए। बैठ के पहले इस पे विचार करें, जो आपकी समस्या है कि आपको ज्यादा से ज्यादा पैसे कैसे मिले। 1 रुपए किलो में मक्का बेच देते हो, पॉपकॉर्न बना के 100 रुपए किलो का एक डब्बा वो पकड़ाते हैं, वो 90 रुपए आपको क्यों नहीं मिलते ये सोचिए ना। 1 रुपए किलो में मक्का बेच देते हो, पॉपकॉर्न बना के 100 रुपए किलो का एक डब्बा वो पकड़ाते हैं, वो 90 रुपए आपको क्यों नहीं मिलते ये सोचिए ना। बीजेपी की सरकार है तो जो कांग्रेस, अरे हमारी कंधे पे कोई राजनीति ना करेगा, नूरा कुश्ती बंद, इसका तो ये राजनीति नहीं हो रही है क्या मिश्रा जी? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताऊं, मास्टर शिवराज सिंह ने अब वो सारी की सारी मांगे अभी बोली है। सारा मुद्दा है कॉमर्शियल, कैसे कॉमर्शियल रिवोल्यूशन लाया जाए, ग्लोबल लेवल पे भारतीय किसानों को कैसे पहुंचाया जाए, इस पे बात नहीं हो रही है। सारा मुद्दा है कॉमर्शियल, कैसे कॉमर्शियल रिवोल्यूशन लाया जाए, ग्लोबल लेवल पे भारतीय किसानों को कैसे पहुंचाया जाए, इस पे बात नहीं हो रही है। विपक्ष के इतने नेता बैठे हैं, हमारे 30 किसान भाई मर गए वहां पे, उनके लिए गीजर है, फुट मसाजर है, कोई विपक्ष का नेता आप लोगों के साथ खड़ा हुआ? विपक्ष के इतने नेता बैठे हैं, हमारे 30 किसान भाई मर गए वहां पे, उनके लिए गीजर है, फुट मसाजर है, कोई विपक्ष का नेता आप लोगों के साथ खड़ा हुआ? यहाँ प्रधानमंत्री, सरकारी मशीनरी आपके साथ लगातार संवाद नहीं खड़ी है क्या? नहीं खड़ी है क्या? मैं आपस से बात कर रहा हूं। अरे खड़ी क्या है प्रधानमंत्री ने, जब मार्केट में आप जानते हो कि ज्यादा मिलना है तो जो कम से कम जो आप घोषित करते हो उसको तो आप काम, वो मिनिमम है ना, मिनिमम है, वो मिनिमम है। गलत, देखिए ये यही चीज हम शुरू से बोल रहे हैं, मैंने अभी भी बोला कि आपको MSP से दुगने रेट पे माल बेचने की सोचिए ना आप, हाँ नहीं मिल रहा है, वो सिस्टम की गलत चीज है, उसी चीज को दूर। न्यूनतम 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 का मतलब क्या होता है? न्यूनतम का मतलब ये होता है इससे ज्यादा, इससे कम में नहीं बिकेगा, इससे कम में नहीं बिकेगा। बोलिए, अभी यमुना एक्सप्रेस में बाधित करी गई, माया फ्लाई ओवर में पूरे दिन रहे वो, हाँ। वो सब BJP के कार्यकर्ता हैं, वो किसान ही नहीं है, वो किसान ही नहीं है, ये हाँ, एक मिनट वाजपेयी जी, वो किसान नहीं है, मतलब आप किसान है लेकिन वो किसान नहीं। सबसे बड़ा भ्रम यही है, किसान भाई लोगों को समझना चाहिए आपका एक साथ रह के हित क्या है। कॉमर्स
कमर्शियल हित के लिए आप लोग जो है परेशान हैं, इनडायरेक्ट वे में, अप्रत्यक्ष रूप में शायद आप व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आप भी यही चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा मूल्य मिले, फायदा मिले। अरे वही तो सरकार कर रही है, नेक्स्ट जनरेशन, नेक्स्ट लेवल का कॉमर्शियल रिवोल्यूशन अब इंडियन एग्रीकल्चर में लाने की तैयारी हो रही है। कमियां हो सकती है, कमियां होगी तो कालांतर में उसको दूर भी किया जाएगा। फ्यूचर के लिए जो एक अननोन फियर होता है उससे डरने की जरूरत नहीं है। अब दुष्यंत जी हमारे पास वापस आ गए। दुष्यंत जी देखिए ऐसा नहीं है, ये सरकार जब बिल लाई होगी तो उनके पास 500 एक्सपर्ट होते हैं, वो स्टडी किए रहते हैं, चाहे स्वामीनाथन रिपोर्ट की तो कोई अच्छी चीज हो, ग्लोबल मार्केट के ट्रेंड क्या है, विदेशों में ट्रेंड, जहाँ पे ऐसी चीजें हो रही है वो अच्छाइयाँ देख के एकीकृत रूप में बिल को लाया गया है कि ताकि आपको फायदा पहुँचे। मैं ये सवाल पूछना चाहती हूँ क्योंकि कई मुझे बताइए मिश्रा जी, एक मिनट मिश्रा जी बताइए, अगर कोई सहमत नहीं है तो वो किसान नहीं है, ये वाली धारणा जो है, जो बात मास्टर जी ने कही है कैसी? नहीं देखिए मैं इसीलिए विनम्र निवेदन करता हूँ, हठ या जिद किसी की भी, चाहे किसानों की हो चाहे सरकार की हो, बुरी होती है। अरे जब आपको ही सब कुछ करना है तो सब कुछ आप अपने आप से कर लीजिए, फिर क्यों बोल रहे हैं कि सरकार बात नहीं कर रही है। सवाल ये है कि आपका जो मुद्दा है कि आपको बढ़िया दाम कैसे मिले, इसको सोचिए। और दूसरी चीज जो अभी डाउट कर रहे थे, कंपनियां आएंगी हमको पैसा नहीं देंगी, अरे सर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है, आप कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो उसमें बेईमानी करने पे क्या सजा का प्रावधान होता है, ये भी होता है, आप एसडीएम के पास जाइए। मैंने वही बोला, अननोन फ्यूचर के लिए जो फियर फैक्टर है उसको छोड़ के वाइड और ओपन माइंड से देखिए। मैंने बताया अभी कि किस तरह से कार्रवाई हुई हमारे पास, किस तरह से कार्रवाई हुई ग्वालियर की बात है, कहां पर किसानों को बकाया नहीं मिला था तो जो उन्होंने कहा व्यापारी की नीलाम कर दी गई। बात कहना चाहता हूं, चाहे तो एपीएमसी मंडी हो चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, आ रहा है प्राइवेट सेक्टर, अभी मिश्रा जी कह रहे हैं कोई बात नहीं ठीक है,